गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विवियन ऑनलाइन क्लासेस। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मास। तो अपन ने लास्ट क्लास में मास के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वेट। तो बेटा वेट क्या होता है? तो वेट एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कौन लगाता है? अर्थ लगाता है ना। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ जिसकी वजह से मैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ या अर्थ से चिपका हुआ हूँ। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगा रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स भी कहते हैं, है ना। जिसकी वजह से ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ। और उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा? वेट कहते हैं। उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं? वेट। तो ये लिखा हुआ है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, कौन लगाता है? अर्थ, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट किधर अट्रैक्ट होता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा? वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट। वेट किस पे डिपेंड करता है? जी पर। जी का मतलब पता है आपको? ग्रेविटी। क्या बताया था? जी का मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है जी का मतलब? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है? जी पर, ठीक है। और दूसरा, वेट के बारे में बताया था क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है, और आपको पता है फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब अपन वेट के लिए फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अपन जानते हैं फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जानते हो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अर्थ इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही तो लगा रही है ना, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, स्मॉल एम मास है इसका, तो इस पे फोर्स ही तो एग्जर्ट कर रही है अर्थ, जिसकी वजह से ये किधर अट्रैक्ट हो रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना आएगा? जी। क्यों? क्योंकि जब अर्थ के केस की बात करते हैं तो जो एक्सेलेशन होता है वो क्या होता है? जी। ये मैंने समझाया था आपको। तो एम मास हो गया और ए की जगह क्या आ जाएगा? जी, है ना। इन केस ऑफ अर्थ ए क्या हो जाते हैं? जी के इक्वल। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी। और यही फोर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा? वेट कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। इसी को अपन क्या कहते हैं? वेट। तो एम जी को ही अपन क्या कहते हैं? वेट। जिसको अपन क्या लिखते हैं? डब्ल्यू। डब्ल्यू से लिखते हैं इसको। किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। इसी को अपन क्या कहेंगे? वेट। जो एम है वो किसका मास है? इस ऑब्जेक्ट का मास है ना, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। और बेटा वेट की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स ही होता है। तो जो वेट की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। तो ये है वेट। तो अपन ने मास पढ़ लिया और वेट पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन वेट और मास में डिफरेंस पढ़ेंगे, कि वेट और मास में क्या डिफरेंसेस है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।